हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अहमद कुरैशी। आज देखेंगे अपन चाइना टीवी में ये जो रिकिल का फॉल्ट आ रहा है, कभी छोटा रह रहा, कभी बड़ा फिल्म हो जा रहा है, स्क्रीन कभी छोटी रह रही, कभी बड़ी हो जा रही। चलो वीडियो में आज सीखेंगे कि इसका फॉल्ट कैसे निकालते और क्या मसला है इसमें, देखेंगे। चलो इसका पहले बैक कवर उतार लेंगे। इसका बैक कवर उतार लिए और इसको थोड़ा साफ भी कर लिए, जैसे पॉश हो गए टीवी, अंदर से किट इसका पॉश हो गया। चलो इसका किट पलटी करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। चलो किट पलटी करके देखेंगे। फ्रेंड, इसमें मसला ऐसा है कि ये जो रिकिल आने का प्रॉब्लम, इसका जो सॉकेट है, ये वाला जो योक कॉइल को जो सर्किट जाता है, ये वाला के प्रॉब्लम के वजह से ये फॉल्ट आना है। चलो उसको निकाल कर ये कार्बन आ चुका है यहाँ। ये देखो फ्रेंड, ये थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये देखो, ये कार्बन आने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ये तीसरे नंबर वाला पिन, ये वाला, ये वाला पिन, तीसरे नंबर वाला जो उसकी वायरिंग जो है, ये जो काली वायरिंग आती है सॉकेट की, तो यहाँ से लेके ये वाली योग पर आती है। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे अपन, क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड, अपन ने अच्छे से उसे साफ करके वो प्लग को वापस लगा लिया। ये देखो, ये वाला सफ़ेद वाला जो तीन वायर लगी हुई है उसमें, हरी, ये हरी, नीली, वाइट और काली वाली। अब अपनी फिल्म सामने देखेंगे कैसा चल रहा है। अभी सिर्फ सीरियस में से निकाल कर अपन डायरेक्ट इसमें डाल के देखेंगे। डायरेक्ट सप्लाई में डाल दिए, अभी डायरेक्ट सप्लाई में डालकर अपना टीवी क्लियर चल रहा है। अभी थोड़ा कलर का भी प्रॉब्लम है इसमें, हरा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो भी मसला सॉल्व करेंगे अपन। वो देखेंगे काय में है, हरा क्यों बता रहा है। चलो देखिए एक बार और दोबारा, कभी फॉल्ट है, स्टिप्लग स्पार्क कर रहा है। जरा इसे भी साफ कर लेंगे अपन अच्छे से, जरा ये खबहान बैठने की वजह से। Thank you.
चलो, थोड़ा कलर का ट्यूब का प्रॉब्लम है इसके कलर का। फ्रेंड अपना ये टीवी कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए स्क्रीन पूरी क्लियर आ रही है। थोड़े लूज फॉल्ट के वजह से ये फॉल्ट आ रहा था, पर सिग्नल की थोड़ी दिक्कत के वजह से पिक्चर कट रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो नीला आ रहा है, थोड़ा हरा कलर जो आ रहा है हरा, वो ट्यूब का प्रॉब्लम है थोड़ा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।